जैसे ही पहला साल लगा तो ऐसा लगता था ध्यान लग गया। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ हम लोग किसी जर्नी में जैसे निकल पड़े। वो एक समा बन लिया करता था, ये बड़ी खासियत थी उसकी, और उसकी वजह उसकी शख्सियत है। ये दौलत भी ले ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। Jagjit Bhai was a thinking musician, the man who had vision and who brought ghazals to the fore. वो समंदर को कूजे में ले आता है, एक ऐसा साल लगाता है जिसमें 1.5 सबकी तान दूसरे की खत्म हो जाए। वो शब्द को ऐसे रखते थे आपको लगेगा जैसे कोई जौहरी आपको एक एक तराशा हुआ हीरा दिखा रहा है। सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। आवाज को कैसे तंदुरुस्त रखना है, सांस कैसे लंबी रखनी है, वॉल्यूम कैसे एक साथ रखना है, प्रोनंसिएशन कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता। Then he was very fond of horses. साउंड ऑफ उसका ना घोड़े का नाम था, और जीता तो इसलिए उसने एल्बम का नाम भी साउंड ऑफ रखा। सारी सारी रात हम बैठे रहते थे, हंसते थे, जो बहुत सुना तो Jagjit Bhai। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। म्यूजिक ऑफ कोर्स ही वाज क्रिएटिंग ऑल द टाइम, ओके, बट हिज बिगेस्ट क्रिएशन वाज हिज सन। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। He could not derive his solace from anything else but music. His zest for life, his horse racing, he was very social, he was very lovable. People loved him because he was a good human being. Daulat ne usko kabhi bhi khareeda nahi. Usko sirf ek cheez chahiye thi, pyar. Thukrao ab ke pyar karo, main nashe mein hoon. His music is entirely dependent or a result of the human being that he was. It was the sound of his soul. Insa mehboob bhi aur koi nahi, jab ji chahe hasa lete hain, jab ji chahe rula dete hain. Hatai dil jaman nal chalti kunti mal mal. Khush kismat hain aap sab ki aapko aisa mehboob mila hai. मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे जो भी आपको बुलाता है उठ के चल देते हो, और ये है कोई स्टार्ट एंड टर्म नहीं, कुछ नहीं लेना नहीं देना, कभी आपने रियलाइज करा आप कितने बड़े आदमी हैं? कहता मैं कितने बड़े हूँ? 5'7"